सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 बीकानेर की झलक पढ़ेंगे। यह एक पत्र है और इसे नमिता नाम की लड़की ने अपनी सखी तान्या को बीकानेर से लिखा है। इस पत्र में नमिता ने बीकानेर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। पत्र कुछ इस तरह से है। प्रिय तान्या मधुर स्नेह, यह पत्र मैं बीकानेर से लिख रही हूँ। मैं यहाँ परिवार सहित घूमने आई हूँ। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल देखे। मैं तुम्हें भी बीकानेर के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। जोधपुर के महाराजा राव जोधा के छठे पुत्र का नाम बीका जी था। बीका जी ने ही सन 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर पहले एक उजाड़ अर्थात वीरान क्षेत्र था। बीकानेर के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि नेरा नाम का एक व्यक्ति इस क्षेत्र का मालिक था। जब बीका जी ने इसे नया राज्य बनाने का फैसला किया तो इसका नाम बीकानेर पड़ गया। बीकानेर एक रेतीला क्षेत्र है। यहाँ दिन का मौसम गर्म रहता है तथा रात के समय ठंड पड़ जाती है। यह एक पर्यटन स्थल है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बीकानेर में अनेक प्रसिद्ध किले हैं। जूनागढ़ फोर्ट यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। राजा राय सिंह मुगल बादशाह अकबर की सेना में सेनापति थे और उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के मुख्य द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। किले में कुल 37 महल हैं। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कोई नहीं जीत सका। बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजनेर पैलेस को भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं और इसका निर्माण राजा गंगा सिंह ने करवाया था। यह गांव कोलायत से कपिल सरोवर के पास स्थित है। यहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। बीकानेर का एक अन्य दर्शनीय स्थल है लक्ष्मी विलास पैलेस। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने भारतीय तथा अरबी शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनाया था। इन दिनों यह एक होटल बन गया है। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में सन 1902 से 1926 ईस्वी के मध्य लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। बीका जी ने बीकानेर में अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। इनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में मूल नायक जी तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ शिववाड़ी मंदिर में काले पत्थर से निर्मित चार मुख वाली शिव जी की मूर्ति है। बीकानेर का भांडासर जैन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 27 जैन मंदिर हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में चूहों के लिए प्रसिद्ध करनी माता का मंदिर स्थित है। जोधपुर और बीकानेर राज परिवार की कुल देवी करनी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। करनी माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ करनी माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे पहले चूहे खाते हैं। इन चूहों को करनी माता का सेवक माना जाता है। नवरात्रों के अवसर पर यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। मैं इस पत्र के साथ बीकानेर की कुछ तस्वीरें भी भेज रही हूँ। तुम्हारी सखी नमिता। इस पाठ से हमें
ऐतिहासिक स्थलों व पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिलती है। धन्यवाद।